डॉक्टर दुबे, यूं तो हिंदी साहित्य में लेखकों, उनके कृतित्व पर बहुत सा लेखन हो चुका है, पर चूंकि आपका सबसे पहला शोध कार्य था मोहन राकेश जी पर, तो इसलिए आज आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आषाढ़ का एक दिन में जो पात्र उन्होंने चुना, उसको रचने में आखिर किस तरह की मनस्थिति रही होगी लेखक की कि मल्लिका जैसा स्वरूप एक उभर कर आया। असल में मोहन राकेश ने जब आषाढ़ का एक दिन लिखा, तब मैं समझ रहा हूँ कि उसको लिखने में राकेश जी के किशोर मन में ही उसका बीजारोपण हो गया था। सबसे पहला चरित्र पात्र हमारे सामने जो आता है वो आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका और अंबिका, और मैं प्रियंगू मंजरी को भी उसमें जोड़ूंगा। ये तीन स्त्री पात्र हमारे सामने आते हैं जिनमें के मल्लिका जाहिर है कि उसकी नायिका है। मल्लिका के बारे में अक्सर ही कहा जाता है कि वो बहुत ही देवी के स्तर तक ले गई है और वो त्याग की मूर्ति है इत्यादि इत्यादि। मैं आज भी जब 5 साल की छोटी बच्ची को देखता हूँ और 7 साल के बड़े भाई के लिए वो त्याग करने को तैयार रहती है, वो अंदर है, इंस्टिंक्ट है। तो मैं उसके मल्लिका के त्यागमयी होने के लिए कि अपने आप को पीछे हटा लेती ताकि वो आगे बढ़े और वो अपने आप विड्रॉ करती है कि कालिदास बन सके, कि लिख वो रहा था और मर ये रही थी। ये सिर्फ रोमांटिक बात नहीं है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात भी हो सकती है यूं देखें तो। और उसने किया तो अपने प्रेम अपने विश्वास के लिए किया, ना कि कालिदास के लिए। और उसके लिए हम उसे आज देवी कहें तो माफ़ कीजिएगा, हर स्त्री देवी है अपने आप में, लेकिन वो स्त्री जो प्रियंगू मंजरी है वो हम नेगेटिव तो नहीं कह सकते। बहुत सारे निरीक्षकों ने उसे खलनायिका की तरह से पेश किया है, क्योंकि इसलिए कि वो राजा की बेटी है और पैसे वाली है और साधन संपन्न है, इसलिए हम उसको बुरा कह दें। और मल्लिका चूंकि झोपड़ी में रहती है, गांव में रहती है, इसलिए वो सच है। ये खास किस्म का रोमांटिसिज्म हुआ करता था, आज नहीं है। तो प्रियंकू मंजरी की भी अपनी समस्या है, उसने बेचारी का क्या दोष है? उसने एक सुपुरुष देखा, उससे उससे प्रेम हो गया, तो उसमें उसकी बेचारी की गलती है, और उससे वो विवाह करना चाहती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? पर आप उसे देखिए ना, त्याग वो भी करती है जब वो यहाँ आती है, उसमें कोई जेलसी नहीं है बल्कि एडमिरेशन है मल्लिका के लिए। वो जान पाती है कि मुझमें क्या नहीं है और क्या इसके पास है, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने सन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए यहां से जाने को नहीं कहा था, मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो, पर जब तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष वो शुभकामनाएं तुमने ग्रहण नहीं की, मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दिया, तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, पर अब मैं तटस्थ नहीं हो सकती। जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो, जानते हो जीवन के वर्ष किस तरह व्यतीत हुए हैं, मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई।
इस जीव को देखते हो? पहचान सकते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पे अब मैं इसकी देखभाल करती हूं। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वो कोई और नहीं हो सका, परंतु अभाव के इस कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं, जानते हो? मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगणाओं के सहवास में व्यतीत होता है, लेकिन क्या वारांगणा का ये रूप तुमने देखा है? आज पहचान सकते हो तुम? मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूं, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूं। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था एक दोष गुणों के समूह में उस तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं, छिपता ही नहीं, सौ सौ गुणों को भी छा जाता है। एक एक करके नष्ट कर देता, परंतु मैंने ये सब सह लिया क्योंकि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने में अपने को ना देखकर तुम में देखती थी। और आज ही सुन रही हूं कि तुम सब कुछ छोड़ के तटस्थ हो रहे हो, संन्यास ले रहे हो। उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु तो इस किशोरावस्था के लेखन में नारी का जो स्वरूप मोहन राकेश को ग्राह्य था वो एक ऐसे ही व्यक्तित्व के रूप में था जो उसे पूरी तरह से प्रेम दे और प्रेम देने में इतनी ज़्यादा पगी हुई हो कि यदि उसके कारण, यानी जिस व्यक्ति को वो प्रेम कर रही है, शायद नाटककार स्वयं, वो
वो प्रेम ऐसा है कि जिसमें किसी भी तरह के त्याग से वो खुद को पीछे न रखे। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी राकेश मानते रहे हैं कि कालिदास उनकी सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। तो ये सृजनात्मक शक्ति जो कालिदास के अंदर उन्होंने उसके चरित्र के अंतर्गत देखी और जिसको देख करके उन्होंने कालिदास के चरित्र का स्थापन किया अपने नाटक के अंदर, तो निस्संदेह कालिदास को अपनी सृजनात्मक शक्ति बनाने में उन राकेश ने मल्लिका के हाथ पकड़ा। क्योंकि नारी का, जब तक नारी के हाथ को पकड़ करके वे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वह नारी की निगाहों से कालिदास को स्थापित करने का जो रूप है उस रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। वह अपनी ओर से कालिदास को कालिदास नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्होंने एक मल्लिका के चरित्र को गढ़ा और उसके माध्यम से उन्होंने कालिदास को कालिदास बनाया। मल्लिका के चरित्र में भीतर जो कोमलता है, उस कोमलता से संश्लिष्ट हुए। यानी एक तरह से ये कहें तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि बिना उस कोमलता के पुरुष की ये सृजन शक्ति शायद ना आ पाती। कोमलता का अर्थ ये होता है कि वहाँ जो जो चीज़ पल रही है कोमलता के अंदर, वह निहित स्वार्थ से वशीभूत होकर के नहीं पल रही। वहाँ तो उस चरित्र को गढ़ा जा रहा है, जो चरित्र एक ऐसी अवस्था पर पहुँच जाए कि उस चरित्र के साथ वह कहीं से भी स्वार्थनी होकर के नहीं दिखे, बल्कि उस चरित्र के साथ वो त्यागमयी होकर के दिखे। वस्तुतः मल्लिका एक ही समय में भाव से भरी भी हुई है। बिल्कुल। और ये भी जानती है कि अब उस प्रकार का भाव से शून्य होना ही उसकी नियति है, क्योंकि जो चीज़ अपने इतने निकट था, जो ऐसा भाव जो किसी सृजन में किसी कृतित्व में परिवर्तित हो सकता है, उसका अपने जीवन से निकल जाना, जो सूनापन दे जाता है, वो किसी पदार्थ की कमी से उपजा सूनापन या भाव नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। असल में वह सूनापन भी उसे गुदगुदाएगा। हाँ, उसे गुदगुदाता है। क्योंकि वह जो सूनापन आया है, वह किसी ऐसी सामाजिकता के अभाव के वशीभूत होकर के सूनापन नहीं आया है। ये सूनापन उसकी खरीदी हुई चीज़ नहीं है। ये इसके भीतर जो सूनापन आया है, ये सूनापन उसे गुदगुदाता है कि जिस चीज़ को खोकर उस सूनापन वो अनुभव कर रही है, वो चीज़ तो स्थापित हो रही है। बिल्कुल। जो पात्र नारी के उन्होंने दिखाए इस पहले नाटक में, मल्लिका को तो बहुत स्पष्ट है कि एक देवी त्यागमयी रूप है ही, किंतु अन्य महिलाओं के प्रति भी जो चित्रण रहा है उसमें नाटककार किसी भी तरह से कृश नहीं है, कहीं कठोर नहीं है। और प्रियंगु मंजरी हैं, अंबिका हैं, इनका भी जो चित्रण किया गया है ये भी बड़ी शालीनता से और सद्भाव के साथ ही किया गया है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और असल में क्या है कि जब नाटककार अपनी रचना को पूर्णता की तरफ ले जाता है और जब उसमें नारी पात्र को स्थापित करता है और उसके साथ जब वह अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाता है, तब वो इस बिंदु को कहीं नहीं छोड़ता। असल में क्या है कि जो आषाढ़ के एक दिन की नारियां हैं, चाहे वो मल्लिका हो, प्रियंगु मंजरी हो या अंबिका हो, ये असल में अपने अपने सूत्रों और अपने अपने ठिकाने से बंधी हुई नायिका हैं। अंबिका समाज से बंधी हुई नायिका है, समाज का सच उसके पास है। और जो प्रियंगु मंजरी है, वह प्रियंगु मंजरी एक बंधन से बंधी हुई नायिका है। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अंबिका की सामाजिकता बहुत वो पहली सीढ़ी है जिस पर चलते 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 आधे अधूरे की सावित्री उतर जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अगर राकेश के नाटकों की समग्रता को देखें तो हम पाएंगे कि वो आषाढ़ के एक दिन से लेकर के
और अपने अंतिम नाटक आधे अधूरे तक का जो सफ़र तय करता है, उनकी जो नायिका हैं वो एक दूसरे के भीतर से ही निकल करके आती हैं। और यही चीज़ जो प्रियंगु मंजरी का ये फूल पौधे वो चषक इनको एकत्रित करना है कि जिससे कालिदास के अंदर वही प्रेरणा के लिए एक स्थिति उत्पन्न हो, ये लगभग उसी तरह की एक योजना है जो अगले नाटक लहरों का राजहंस में सुंदरी में जाकर अपना पूर्ण रूप पाती है। तो उस तौर पर जब ये कहते हैं कि भाई लहरों के राजहंस तक आते आते वो स्त्री जो है वो काफ़ी रियलिटी के नज़दीक आ जाती है, नहीं, क्योंकि वो पीरियड नज़दीक आ जाता है हमारे, ये बुद्धिस्ट पीरियड की महिला है और इसके अंदर मल्लिका जैसा, ये कहीं ज़्यादा कन्फ्यूज है मल्लिका से, मल्लिका बहुत क्लियर है उसे क्या चाहिए ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए और अंत में वो किस स्थिति को प्राप्त होती है। और वहाँ मैं समझता हूँ कि राकेश जी कथानक को अपने हिसाब से ले गए, जो क्लाइमेक्स उनको बनाना था उन्होंने बनाया और वहाँ पर उनको शायद मल्लिका की बलि देनी पड़ी। तू अपने सपने की बात कर रही थी ना अलका, क्या देखा था? कह रही थी सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा। प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना। प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी? सुना है सच होते हैं, इसलिए तो उपाय करना होगा, अन्यथा ये ना हो कि कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे। मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं नहीं, मैं तो बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूँ कि कल सच कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेंगी देवी? और सब भिक्षुणियां कैसी लगती है? सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। बहुत सहानुभूति भी होती है। परंतु देवी, हाँ कह, रुक क्यों गई? संभव है आज मैं उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो राजकुमार सिद्धार्थ के लिए थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वे गौतम बुद्ध हैं, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं, इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को है। देवी यशोधरा को है? नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी राजकुमार सिद्धार्थ ही ना होते? ऐसा ना कहे देवी। क्यों, क्या यह सच नहीं? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी है अलका, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया, उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए ये भी क्या मन की एक कामना नहीं? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है? तो फिर क्यों प्रजा के बच्चे बूढ़ों तक में उनके लिए इतना उत्साह है? क्यों संध्या होते ही वे उनका उपदेश सुनने नदी तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? इसलिए कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहां भी कुछ नवीनता दिखाई दे उसी ओर वे उमड़ पड़ते हैं। ये उत्साह दूध पेन का उबाल है, चार दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा।
सुना क्या? उतरती रात में राजहंसों का कलरव, इस स्वर की कहीं तुलना है? कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर इनसे भी निर्वाण और अमृत्व की बात करें। ये चोंच से चोंच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती लहरें जिधर ले जाएंगी उधर तैर जाएंगे। सोचती हूँ उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। अब देखिए, ये सुंदरी अपनी उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो उसका अहम है, वो उसे एक तरह की शक्ति भी दे रहा है। लेकिन क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये शक्ति, ये दंभ एक खोखली जमीन पर टिका है, कि कहीं उसे भी डर है कि नंद उससे अनासक्त होकर फिर बुद्ध की ओर मुड़ जाए? यह एक डर ही है सुंदरी के मन में। जैसे ही हम मल्लिका से सुंदरी पर आते हैं, तो वो जो किशोर मन था जिसने मल्लिका को गढ़ा था, अब वो भी थोड़ा सा, उसकी वय भी बढ़ चुकी है और वो भी अब यथार्थ में चीज़ों को देख सकता है, और उसे मालूम है कि हर महिला के अंदर एक आदर्श नारी को ढूंढना बहुत बहुत सही या उचित सत्य नहीं है। असल में क्या है कि एक तरफ तो सौंदर्य बोध, और सौंदर्य बोध के वशीभूत दूसरी तरफ नंद को अपने से जोड़े रखना, ये दो बातें, और इन दो बातों के बीच में देखा जाए तो एक संसार का आ जाना। अपने आदर्श रूप से उतर कर अब नायिका अपने प्रिय को खोना नहीं चाहती, उसको उसके साथ एक अच्छा और सुंदर और स्वस्थ जीवन जीना चाहती है। तो ये जो एक प्रेम की पुलकता है, एक जो इसके भीतर रागात्मकता है, उस रागात्मकता का बोध सुंदरी के मन में है, और उसी बोध को हथियार मान बना करके वह नंद के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहती है। तो जिस तरह से मल्लिका एक देवी थी, सुंदरी एक अप्सरा है, तो ये भी संभव है कि वो जो हमारा किशोर रचयिता, जिसको अब हम मान रहे हैं कि युवा और एक वयस्क हो चुका है, शायद उसके अंदर अभी भी अपने उस बाल और किशोर मन में आई हुई तस्वीरें जिंदा हैं, जिनमें वो देवी नहीं तो शायद अप्सरा रूपसी इसी तरह से सुंदरी को पढ़ रहा है और इसी तरह से देख रहा है। यद्यपि और गहराई से जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि वो नाटक की अनिवार्यता थी, नाटक की आवश्यकता थी, कि जो आवश्यक एक हम जिसको नाटकीय संवाद कहें, उसको पैदा करने के लिए आवश्यक था कि हमको बिल्कुल काले सफ़ेद अक्षरों में एक तरफ बुद्ध और एक तरफ सुंदरी को खड़ा करना है, और बीच में नंद हैं जो बार बार ये कहते हैं कि मेरा सत्य कोई आवश्यक नहीं कि किसी भी एक पक्ष के जाए, मेरा स्वयं का भी तो सत्य हो सकता है, वो बिंदु मेरा अपना है, इस बात को इन दोनों की तरफ से सहमति क्यों नहीं मिलती कि एक तरफ तो सुंदरी का आकर्षण है और दूसरी तरफ बुद्ध का आकर्षण है। क्योंकि जब सुंदरी इतनी चीज सजाती है और इतना सब कुछ, वह जब सुंदरी इतने उपादानों को रचती है, तब उसे ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ इसकी कामुकता का, इसकी वासना का, इसकी अभिप्सा का खिलौना बन करके रह जाऊं। सूक्ष्म से रचे हुए कालिदास का जो पात्र है, जिसके सामने यथार्थ बहुत बहुत छोटे से टुकड़े के रूप में शायद तब आता है जब प्रियंगू मंजरी से विवाह हुआ होगा, और फिर इसके बाद जब फिर से मल्लिका से मिलने का अवसर, जिस पर नाटक ही लिखा गया है, तो हमारे सामने तो सिर्फ एक ही स्थिति उसकी आती है,
जब वो सूक्ष्मता से उतर कर यथार्थ की स्थिति में आए हैं, नंद के साथ में भी वही है कि जो यथार्थ में रहते हैं लेकिन हमेशा सूक्ष्म की ओर जाना चाहते हैं, कल्पना लोक की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका सत्य सिर्फ यहीं सीमित, इसी से परिभाषित नहीं है, इससे अतिरिक्त कुछ हो सकता है, क्या है ये वे स्वयं नहीं जानते, नहीं, लेकिन संभावना है। अंबिका के चरित्र के भीतर जो एक सामाजिक भाव उभरता रहता है और इसी भाव के वशीभूत वह मल्लिका का हाथ थाम कर उसे समाज की तरफ खींचती है और उसके समाज के सुपुर्द करना चाहती है। हाँ, लहरों का राजहंस का नंद अब कालिदास से एक स्तर बढ़ता है लेकिन एक स्तर नीचे भी उतरता है। वो परिपक्व अधिक है, नारी की समझ उसकी कुछ अलग है, अब मात्र देवी ही नहीं, बराबरी में एक व्यक्तित्व आया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो नीचे भी उतरता है क्योंकि अब वो उतना सूक्ष्म के साथ नहीं है और उसके सामने वास्तविक परिस्थितियां हैं। पहली नायिका मल्लिका को तो एक पूर्ण पुरुष प्राप्त था जिसको उसने अपनी इच्छा से ही जाने दिया, दूसरी नायिका को पूर्ण पुरुष प्राप्त है जिसके शायद उसकी परिधिति से बाहर से जाने की संभावना है, इसीलिए वो पूरी तरह से सचेष्ट है कि उसे रोक सके, और जो अंतिम नायिका है वो पुरुष के रहते हुए भी ये देख रही है कि इसके अंदर पूर्णता नहीं है, तो फिर ये पूर्णता कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं, यही अधूरापन है जो अंतिम नाटक में व्यक्त होता है।